मेरी दोनों वाइफ अब रो रो कर वीडियो डाल रही है कि हमारा हस्बैंड किसी और के साथ वीडियो बना रहा है। तब याद नहीं आया कि मैं तुम दोनों का हस्बैंड हूँ, जब तुम दोनों ने मुझे होटल में पकड़ा, होटल में मेरी वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब पे डाला। जब हमने वीडियो डाली थी होटल वाली, पासवर्ड तो आपके पास भी था। कभी हम पे ये इल्जाम लगा देते हैं कि मेरी बीबियां मेरे साथ मिलके प्रैंक कर रही हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? और नेक्स्ट डे हो गया, मॉर्निंग हो गई है, रूप यहाँ तैयार खड़ी है, ये जा रही है। आप लोगों को पता है कि आज ना पंजाब में जो वोटिंग हो रही है, तो इसीलिए ना हमारे ना विलेज में कोई हमारे ही रिलेटिव में से खड़ा है जो हमारा बहुत ज्यादा करते हैं, तो मुझे वहाँ पे बुलाया है कि आप लोग ना यहाँ पे आ जाओ। तो मुझे उन्होंने फोन करके स्पेशली बोला है कि तू आ जा और वोट डाल के चली जाना। तो अभी मैं देख रही हूँ, मैं अकेली जा रही हूँ कि मानसी तो आराध्या के पास रुकेगी। आज आराध्या को भी छुट्टी है, आराध्या को छुट्टी है, आराध्या घर पे है। और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि शायद हमारे हस्बैंड भी वहाँ आए, क्योंकि उनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब वोटिंग वगैरह, इलेक्शन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। तो हमें उम्मीद है कि वो शायद आए। सो आज रूप कैमरा भी साथ ही लेके जाएगी अपना, वहाँ जो भी होगा वो शूट करेगी। अभी ये ऑटो में जाएगी और ऑटो में ही आएगी, क्योंकि हमारे पास जाने को तो एक्टिवा पे भी जा सकती है, लेकिन इतनी दूर मैंने इसको बोला कि एक्टिवा लेके अकेली जाएगी। रास्ते में पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले, क्योंकि अभी यहाँ ना हर जगह पता ही है कि हमारा क्या चल रहा है, मैक्सिमम सब लोगों को पता है। तो ऐसे कोई कुछ बोल दे या कुछ कर दे तो इससे अच्छा है कि तू अपना सेफ्टी से ऑटो में चली जाए, जिससे दिखेगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा लोगों को, और जल्दी से वापस भी आ जाना। वहाँ ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम मैंने रुकना किसके पास है, बड़ी फैमिली मेंबर्स के साथ बन रही है, जो वो हमारा इतना कर रहे हैं, हमें रोकेंगे। मैं घर पे भी नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी सीधा बोर्डिंग स्टेशन ही जाएगी और वहीं से बोट डाल के सीधा आऊंगी, मैं कहीं भी नहीं रुकने वाली। चल यार, मैं लेट भी हो रही हूँ, चल जल्दी ले जा कैमरा भी ले जाओ। तो गाइस, ये बच्चे भी आ चुके हैं, अभी वहाँ पे ना पूरा शांति हो रखी होगी। आराध्या को ना एकदम से शौक ही लगेगा कि बच्चे चले गए हैं सारे, क्योंकि वो सोई हुई थी तभी हम लोग आ गए थे। और मैंने तो वोट डालने आना ही था, इन लोगों ने बोला कि हमें भी घर जाना है, तो ये भी आ गए, इनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। मेरी वोट डल चुकी है। और ना यहाँ पे ना सभी पूछ रहे थे कि सन्नील कहाँ पे है, कहाँ पे है। बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था जब वो पूछ रहे थे कि क्या वोट डालने नहीं आया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो आए हैं या क्या है। मैं ऑटो से आई हूँ, अभी भी ऑटो से ही जाऊँगी वापस, क्योंकि जाना भी है घर पे, और भी बहुत सारे काम है, गाने का भी काम चल रहा है, तो वो सारा करना है जाके। और मानसी अभी अकेली, उसको छोड़ के आई हूँ, मैं अकेली आई थी, आराध्या और मानसी को नहीं लेके आई हूँ। और अभी मैं इस वाले घर में आई हूँ कि दो मिनट के लिए चलो यहाँ पे पानी वगैरह पी के फिर निकलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। उधर वाले वैसे ही नहीं, आपको पता ही है कि उनके साथ बड़ा वो रखा है, तो वो वैसे ही नहीं हमें बुला के राजी। वहाँ पे मिले भी थे पर किसी बुलाया ही नहीं, तो छोड़ो उनको, क्या कहना है। जब उनका बेटा ही जो हमारा था वही नहीं हमारा हुआ, तो बाकी उसे तो क्या उम्मीद रखनी है। तो बस अभी वोट डल चुकी है, अब बस मैं जा रही हूँ। मैं ऑटो से ही आई हूँ अभी, क्योंकि इस साइड को ना बसेस वगैरह नहीं आती, तो मैं ऑटो लेके अभी बस वापस जाने ही वाली हूँ। तो भाई, तो मैंने ना अभी ऑटो लिया है यहाँ से, और अभी बस घर को ही जा रही हूँ। पहले इतना कोई नहीं होता था, पहले ये सब कुछ हैंडल कर लेते थे, पर कुछ ही करना पड़ेगा, कुछ कुछ आपको भी मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर या नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑटो की वजह से ना शोर भी हो रहा है और हवा बहुत लग रही है, इसकी वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ इतनी क्लियर ना आई। और अभी ना बस थोड़ा टाइम ही लगेगा मुझे पहुँचने में। मानसी ने बोला आराध्या तो उठ चुकी है, इसके लिए भी कुछ ले आना नीचे से या कहीं से कुछ खाने के लिए। अब यहाँ से तो मैंने लिया नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं रुकी थी, और वहाँ से लूँगी सोसाइटी से कुछ खाने के लिए ले लूँगी, क्योंकि यहाँ तो बच्ची है ना, तो इसीलिए ना थोड़ी वो क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो जाएगी जब मैं उसके लिए कुछ भी खाने के लिए लेके जाऊँगी। ऑटो में ना सच में गाइस इतना ज़्यादा टाइम लगता ना, क्योंकि उन लोगों ने ऑटो में इतना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल करते ही नहीं हैं। पर आज पता लगा कि हर एक चीज़ का ना अपने आप को ना ढाल लेना चाहिए हर एक सिचुएशन में। तो आज मैं बड़े टाइम के बाद आज ऑटो में जा रही हूँ, सच्ची में बहुत ज़्यादा टाइम इधर, इतने में तो वह नामगढ़ भी पहुँच जाते हैं। चलो जो भी मतलब हर एक ना बोलते जब मुसीबत आती है ना तो सब कुछ सिखा के चली जाती है, कोई बात नहीं है, टाइम भी मिल जाएगा। अभी बस मैं अभी तो बहुत दूर पड़ा, अभी तो आराध्या का स्कूल भी नहीं आया, अभी आराध्या के स्कूल से आगे भी बहुत बड़ा है टाइम। तो अभी गाइस मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ ज्ञान सागर, और इसके बाद आराध्या का स्कूल आएगा। जी देखिए,
यहाँ मांस का ऑपरेशन हुआ था तब आए थे हम लोग। तो गाइस बस मैं पहुंच गई हूँ, 5 मिनट का रास्ता रह गया। ये हमारे यहाँ की मार्केट आ गई है, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट है तो थोड़ी सी दूर रह गया, बस अभी पहुँच जाऊँगी। मेरी आराध्या बड़ी खुश होगी, तो गाइस मैं अभी सोसाइटी में पहुंच चुकी हूँ। बस आराध्या के लिए ना थोड़ा सा कुछ खाने को ले लूँ, क्योंकि वो बोलेगी कि मुझे छोड़ के चले गए हैं सुबह सुबह, ये सब सभी बच्चे भी चले गए, मम्मा भी चलेगी, तो मैं ना उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ले लूँ बस। तो गाइस ये देखो, अभी मैं नीचे आई थी, मानसी का फ़ोन आ गया, कहती सब्जी भी ले आ, तो मैं सब्जी वगैरह भी सब कुछ ही ले, सब्जी है आराध्या की चीज़ है, लेके बस ऊपर जा रही हूँ। थक चुकी है सच्ची में, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बस ये है कि अब कब ऊपर पहुँचूँ, उसके बाद बहुत सारा काम वैसे भी पड़ा है, वो सभी करना है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। अगर हम वैसे ही थोड़ा सा ट्रैवल कर लेना तो बंदा थक जाता है। मैंने तो ये वाला ट्रैवल किया फर्स्ट टाइम है, मैं इतनी दूर से फर्स्ट टाइम अकेली आई हूँ, नहीं तो मेरे साथ हमेशा मानसी होती है किसी काम में, पर आज मैं अकेली हूँ, सही में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो गाइस मैं ना ये देखो, मैं अभी घर पे आई हूँ और मेरा बेटा क्या कर रहा है, फोन चला रहा है। मैं तेरी चीजी लेके आई हूँ, तूने मेरी चीजी देख ली, खुश हो गया मेरा बच्चा। दवाई ले ले, ले सब्जी तो फड़ ला, मैं थक चुकी हाँ। कैमरा पकड़, तू कैमरा पकड़, दे रही हूँ बच्चा, रुको गाँव से आने के बाद सो गई थी, मैं भी सो गई थी क्योंकि मेरे सर में आते सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था। हम दोनों सो गए थे, आराध्या एक मिनट के लिए भी नहीं सोई, अभी भी नहीं सोई, अभी मुझे बोल रही है मम्मा मुझे बबल ये चाहिए, बबल गन से ना बबल्स बनाने हैं, तो मुझे वो सोल्यूशन था जो होता है वो बना के दे दे। तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाने लगी उठने के बाद, क्योंकि सर दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने अपने लिए चाय रखी है, रुक चाय पीती नहीं और वो अभी भी सोई हुई है। मुझे ना एक्चुअली किसी का फ़ोन आ गया था, मेरी फ्रेंड का, वो पूछ रही थी कुछ, तो उसका एक दो बार फ़ोन आया, एक बार मैंने पहले कट कर दिया, उसके बाद उसका एक दो बार और आया, फिर मैंने कट नहीं किया, फिर मुझे उठना पड़ा। अब मैं उठ गई हूँ, चाय बना रही हूँ, अपने लिए चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद रूप को भी थोड़ी देर बाद उठाऊँगी, क्योंकि और भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। आज हमने सुबह से बस कोई भी काम नहीं किया, वो गाँव चली गई थी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया आज सुबह से, तो अब उठ के बनाएंगे। आराध्या को पहले वो बना के दे दूँ, फिर आराध्या खेलती रहेगी थोड़ी देर और हम लोग बना लेंगे। तो अभी मैंने ना कैमरा उठाया है शूट करने के लिए और देखा बैटरीज तीनों की, तीनों कैमरे के साथ 3-4 बैटरीज मिली थी। एक तो पता नहीं, हम लोग पहले शूट करते तो आराध्या के पापा ना कहीं रख के भूल गए थे, वो तो मिली नहीं, लेकिन जो 3 बैटरीज थी वो तीनों की तीनों डाउन पड़ी हुई है। बस एक जो कैमरे में है वो चल रही थी, 2 बिल्कुल खत्म पड़ी हुई है। पहले हम इन चीज़ों की टेंशन ही नहीं लेते थे बिल्कुल भी, कि कैमरे की बैटरी चार्ज लगानी है कुछ। अब मैंने चार्ज लगाई है, बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, हम मैंने चार्ज लगाई, अब ये चार्ज होंगी तो फिर उसके बाद जाके कुछ शूट होगा हमारा, क्योंकि हमारे पास कैमरा ही है। तो ये देखो अब रूप भी उठ के आ गई है, आराध्या तो पूरा दिन सोई ही नहीं है, पहले फोन देखती रही, एक फोन की बैटरी लो हो गई, फिर इसलिए दूसरा ले लिया, अब उठ के मैं यहाँ बैठी थी, अब मेरे पास आ गई उठ के, तब से यहीं पे है, पहले खेल रही थी। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही है अभी भी, पता नहीं क्यों यार आज ना थकावट सी हो गई है, थकावट सी हो गई है, ऑटो में जाने की वजह से ना कभी गए नहीं। अरे उधर जाओ, कैसे देखो यहाँ आराध्या कर रही है वर्क, प्राची बहुत परेशान कर रही है, रूप को बहुत तंग कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, मैं कब से इसको काम करवा रही हूँ ये कर ही नहीं रही है। देखो अभी भी इसने देख क्या किया मानसी, ये देखो
पेज निकाल दिया राधे। क्या क्यों कर रही है बेटा ऐसे? आज तू इतने अच्छे से वर्क कर लेती है, आज क्यों मम्मा को इतना तंग कर रही है? मैं अपने आप करूंगी सेट, पहले जैसे झंडा देश का झंडा लिखा। आज इसकी छुट्टी थी, सारा दिन इसने फोन चलाया, कोई वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अब वर्क करने की बारी आई तो अब इतना तंग कर रही है। और आज हमारे रूम की ना ये वाली ट्यूबलाइट भी खराब हो गई, अब कल हमें ये भी लेके आनी पड़ेगी। काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं कितनी बार रेस करवा रही है। अगर मैं बैठती हूँ साथ बैठूंगी तो भी काम कर रही है, कर ही नहीं रही है। मैं तंग आ गई हूँ इससे भी। और ये पिंकी प्रॉमिस भी करती है कि मैं पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वर्क कर लूंगी, फिर भी नहीं कर रही थी। दोनों कर लिए अभी, किए हैं ये दोनों। हाँ? अभी ये वाला ये भी पढ़ा है, अभी ये वाला भी कर लेता है, ये भी पढ़ा है। बेटा जल्दी कर, ऐसे परेशान मत कर, तू तंग कर रही है अब। और कल इसका ना देखना, मैं इसने ना ये वाला सही भी लिखा था, घर से घड़ी, पहचान भी लिया था घर से घड़ी है, तो मैम ने ना इसका एक नंबर काट दिया। वो मैम ने नंबर इसलिए काटा है क्योंकि लाइन से बाहर किया है, बाहर नहीं किया, इसने मिला दिया इकट्ठा। देख घ इसने सही नहीं लिखा, ये इसने ये दोनों चीजें आपस में मिला दी हैं, तो वो ग लग ही नहीं रहा कि ग है। राधे ऐसे नहीं करना होता, देख तूने गलत कर दिया था, फिर मैम ने नंबर करवा दिया। तब मैम ने गुड भी नहीं दी तेरे को, देख हैंडराइटिंग की वजह से आज बड़ा गंदा लिखने लगी आजकल। इरेजर कहाँ रखी है मुझे बता दे। चल अब वर्क कर, उसके बाद सो, कल स्कूल भी जाना है। तेरे पास है। मेरी दोनों वाइफ अब रो रो कर वीडियो डाल रही है कि हमारा हस्बैंड किसी और के साथ वीडियो बना रहा है। तब याद नहीं आया कि मैं तुम दोनों का हस्बैंड हूँ, जब तुम दोनों ने मुझे होटल में पकड़ा, होटल में मेरी वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब पे डाला, और डालने के बाद क्या बोला, सर्च सनी राजपूत इन होटल, ये भी लोगों को बताया कि लोग देखे। तब याद नहीं आया मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे थे कि मैं तुम दोनों का हस्बैंड हूँ, उस वक्त भूल गए थे। अब रो रहे हो, गाने करने थे, ये किसी और के साथ गाने कर रहे। बाकी क्या सनी राजपूत इन होटल मैं बोल देता हूँ, अब तो कर दिया ना तुम दोनों ने बदनाम। अब मेरे साथ पास मैसेज भेज रहे हो कि वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। कितने लोगों ने पेजों पे डाल दिया, कहां से डिलीट करवा लोगे तुम दोनों? अब कहते हैं कि लाइव आगे प्रूफ रखो, ये रखो, वेट करो फिर इस चीज का। तो गाइस अब लास्ट में हम बात करते हैं हमारे हस्बैंड की। उन्होंने ना एक रील डाली है, अब वो यूट्यूब से ना इंस्टाग्राम पे आ गए, वो रील खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने एक रील डाली है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ना मेरी वीडियो वायरल कर दी, आप लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब हमने वीडियो डाली थी होटल वाली, पासवर्ड तो आपके पास भी था, आप डिलीट कर देते, आप अब क्यों बोल रहे हो ये सारी चीजें? इनको ना अब समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं। कभी हम पे ये इल्जाम लगा देते हैं कि मेरी बीबिया मेरे साथ मिलके प्रैंक कर रही है, कभी ये इल्जाम लगा देते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बदनामी कर दी वीडियो डाल के। आप खुद सोचो आप बोलना क्या चाहते हो, आप एक ही टाइम पे दो अलग अलग कमिटमेंट कैसे दे सकते हो? और रही बात गाने की, और मुझे हमें तो ये लगता है अब कि आप ये सब कुछ अपना गाना चलाने के लिए कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इनको ये लग रहा है कि मैं इनके साथ थोड़ा अपना झगड़ा बताता जाऊंगा, लोगों को बोलूंगा प्रैंक कर रहे हैं, बाद में लोग मेरा गाना देखने आएंगे, मेरा गाना चल पड़ेगा। इसी हिसाब से ये अपनी हीर को चलाना चाहते हैं कि फिर मैं इन लोगों को बोलूंगा देखो मेरा गाना तो चल गया है। तो ये चीज खेल रहे हैं, ये कुछ नहीं मिलने वाला इनको, इनके गाने पे वैसे ही हेट मिलेगी जैसे आपको आपकी वीडियोस के नीचे मिलती है, क्योंकि सच और झूठ का लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। और हाँ एक बात हम आपको और बता दें कि बहुत हो गया गाना, अब आपने गाने का जो इतना गाने को हाइप दिया, मैं भी एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारे गाने पे भी वर्क चल रहा है, और हम भगवान से चाहते हैं कि हमारा गाना तब तक तैयार हो जाए जब तक आप लोग गाना अपना रिलीज करो, उसके बाद हम सेम डे ही, मैं बोलती हूँ भगवान ऐसा करे ना कि हम सेम डे अपना गाना रिलीज करें, फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन खेल रहे हो ना, फिर हम देखना चाहते हैं कि किसको ज्यादा किसको कंपटीशन बोलते हैं, आपको वो भी समझ आ जाएगी। बात बात पे हमें बोलते थे, वो अपने व्लॉग्स में बोल रहे हो कि मेरी हीर को यहाँ मॉडलिंग के लिए बुलाया, उसको काम मिलता है, रूपमानसी आप लोगों को आज तक कौन सा काम मिला है? तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपकी वाइफ्स को कौन सा काम मिला। वैसे वाइफ्स तो बोलना नहीं चाहिए, रूपमानसी ही बोलते हो आप आजकल हमें, तो हम भी वही बोलेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि रूपमानसी को कौन सा काम मिला, और ये भी पता चलेगा कि किसके गाने को कितना प्यार मिलता है। ऐसे जो आपने आशिकी वाले गाने डाले होंगे ना, आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि कैसा गाना है और क्या क्या मिल रहा है आपको लोगों से। जो आपके दिमाग में ख्याली पुलाव आपने पकाए हुए हैं ना, वो आपके बड़े जल्दी खत्म होने वाले हैं। और लास्ट में जो आप बोल रहे हो ना वीडियो में कि रील्स में कोई प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है
तो हम भी वेट कर रहे हैं, कब दिखाओगी? कब तक वेट करे यार, पहले दिन से बोल रहे हो मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, लाओ अपना प्रूफ, कब लाओ? हम शर्म बैठे हैं आपके सामने, आप हमें दिखाओ तो सही, आप कौन से वाला प्रूफ उठा के घूम रहे हो, हमें दिखाओ, सामने करो, पब्लिक देखना चाहती है, सबको दिखाओ। अपने हीर के साथ आओ प्रूफ दुनिया को, अब हम भी परेशान हो गए आपकी बातों से, आपके इल्जामों से, अब हमसे भी और नहीं होता, हम अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, आपके पास जो प्रूफ है वो लेके आओ, हम भी, हमारे पास जो होगा हम भी दिखाएंगे, फिर पता चलेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठ है।